हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखो मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में जो बुरखे का बताई थी, तो वो लेने के बाद हम लोग यहाँ पे गए थे ये वाली शॉप में। मुझे एक्चुअल में चॉपिंग बोर्ड लेना था और सॉस पैन लेना था चाय के लिए, तो वो लेने के लिए तो यही मैं देख रही थी कि कौन सा लूँ। समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि चॉपिंग बोर्ड्स यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे थे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा परचेस करूँ। लेने के बाद हम लोग पिज्ज़ा खाकर घर वापस आ गए। स्टैंड है डोर के पीछे लगा लेना कि क्लोथ वगैरह टांगने के लिए इजी पड़े। ये दो लिए ऐसे, और चॉपिंग बोर्ड नहीं था तो ये एक चॉपिंग बोर्ड ली, वो ये वाला ली, और ये चाय बनाने के लिए सॉस पैन। The next day. Divide by 3. Okay. Okay. ये सरपू पता नहीं किस चीज़ का कैलकुलेशन बता रहे थे, उनका हमेशा कैलकुलेशन ही चलते रहता है। सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी सरपू ऑफिस जा रहे हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, वाटरमेलन खाने आओ, यहाँ पे बहुत गर्मी है, इसलिए सोची थोड़ा ठंडा ठंडा वाटरमेलन खाती हूँ। कल डैडी वाटरमेलन लेके आए थे, बहुत स्वीट है ये वाटरमेलन। वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन रखना चाहिए अपने बॉडी का। फ्रेंड्स अभी ये बर्तन रखे हुए वो मैं पहले धो देती हूँ। सुबह के बर्तन है रखे हुए जो मैंने और सरपू ने ब्रेकफास्ट किए थे ना, तो वो ये बर्तन रखे हुए, तो सबसे पहले मैं बर्तन धो देती हूँ। ये डैडी कल झींगा लेकर आए थे तो सोची चलो अभी साफ कर देते, अभी फ्री टाइम है तो। इसका झींगा हमारे घर में सबको पसंद है। कौन कौन झींगा खाते हैं, किस किस को झींगा पसंद है, इस तरीके से झींगे का छिलका निकाल के जो बीच में जो ब्लैक पोर्शन रहता है ये इसका निकालने का, ऐसे झींगे को क्लीन करते हैं। ये जो ब्लैक पोर्शन है ना, ये जो ब्लैक थ्रेड रहते हैं ना झींगे के बीच में, इसको रिमूव करना रहता है। वरना अगर ऐसी झींगे को कुक कर ली ना तो फिर लूज मोशन और वोमिटिंग होने का चांस रहता है। इस तरीके से क्लीन करना रहता है झींगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने झींगा क्लीन कर ली हूँ, इसका मैंने छिलका निकाली हूँ। ये मैं पुलाव में और उस या तो फ्राई करने में यूज़ करूँगी। कुछ जो भी रेसिपी बनाऊँगी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और ये झींगे का जो मैंने छिलका रिमूव नहीं करी हूँ, इससे मैं ग्रेवी बनाऊँगी। छिलका अगर इसमें झींगे में रहता है ना तो झींगे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है ग्रेवी में। इसका मैंने छिलका नहीं रिमूव करी हूँ, ये वाले झींगे का, आधे झींगे का रिमूव की हूँ और आधे का नहीं की हूँ। अभी आज फ्री हूँ तो सब फिशेज जो लाए हुए हैं उसको अच्छे से पहले क्लीन कर लेती हूँ, ताकि बाद में फिर मुझे खाना बनाने में ईजी पड़े। ये शेरी मच्छी है, इसको सिंपली बस इसको ऐसा वो करके जो ऊपर के स्केल्स रहते वो रिमूव करना है, और अंदर जो भी अगर कुछ गंदगी रहेगी तो उसको रिमूव करना है। इसको हमेशा अच्छे से क्लीन करना चाहिए, वरना फिर कोई कोई लोग कंप्लेन कर देना कि मच्छी से स्मेल आ रही है। अगर उसको प्रॉपर वॉश नहीं करेंगे तो फिर स्मेल आती है, अगर अच्छे से वॉश करेंगे तो फिश बहुत टेस्टी लगती है खाने में। बस वॉश करने का प्रॉपर तरीका होना चाहिए। अब जब मैं इसको कुक करूँगी ना तो वो टाइम पर इसको गेहूँ के आटे से उसको वॉश करूँगी, तो जो भी अगर थोड़ी बहुत भी स्मेल रही बची रहेगी तो वो उससे निकल जाएगी। A little longer than a few minutes later. Assalamualaikum friends, कैसे हो आप सब। अभी हम लोग जा रहे हैं लुलू में, कुछ घर का सामान लेने का है तो वही लेने जा रहे हैं। और क्या हाल चाल है आप लोगों का। अभी मैं आप लोगों से बताती हूँ कि मैं वहाँ पे क्या क्या परचेस करती हूँ।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. ये सर पूरा इसका निरीक्षण करते हुए लेते तीन लेते इधर भी काटा है ओके अपन जो सर वो लेते थे ना पिल्सबरी का वो देखो उसकी रोटी नरम मिलती है देखा ही नहीं ये क्या ये कौन सी ये देखो उसको पूछो तो सही नहीं बेकर भी करना चाहिए उससे रोटी नहीं सही बनती है जो मैं पिल्सबरी का आटा यूज करती थी वो मुझे मिल गया था बट मैं एक्साइटमेंट के चक्कर में रिकॉर्ड करना ही भूल गई ये सॉल्ट देखो रेडिश है पूछने के लिए रहेगा कि कहाँ पर है हेलो तुमको जो सही लगे आने वाले तुम हो लो क्या ले रहे वो आ? कौन सा ले रहे वो लो क्या ले रहे चिकन की स्किन रिमूव करनी पड़ेगी ना सिर यहाँ से हम लोगों ने फिर हाफ के जी कैबेज भी ले लिए थे फ्रेंड्स आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना दस पाए नहीं थे क्या देखते क्या लगेगा ये लो धनिया लो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स और हमारी फैमिली का पार्ट बनिए और इंशाल्लाह आप लोगों को और अच्छी अच्छी वीडियोस आगे चल के देखने मिलेगी खुशबू धनिया के जैसे आ रही ना कुछ भी नहीं फिर क्या उठाई फ्रेंड्स आप लोग वीडियो तो देख लिए थे बट लाइक नहीं करते लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए आप लोगों ने कभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना चलो डालो उसमें अंडे ले रहे हैं अभी सेम है सर सेम है फ्रेंड्स मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़ बाय बाय टेक केयर